तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली समूह के सीएमडी सहित तीन निदेशकों के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी कर उनसे चार सप्ताह में जवाब मांगा है। कोर्ट ने आम्रपाली समूह के तीन निदेशकों को शुक्रवार सुबह 8 बजे से पहले नोएडा सेक्टर 62 के थाना प्रभारी के सामने पेश होने का निर्देश दिया है। शीर्ष अदालत ने नोएडा के SSP को आम्रपाली के तीन निदेशकों को शाम 6 बजे के बाद होटल पार्क एसेंट ले जाने का निर्देश दिया है, जहां उनके मोबाइल फोन जब्त कर लिए जाएंगे। यानी सुप्रीम कोर्ट अब आम्रपाली को लेकर भी सख्त नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली बिल्डर्स के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार किया है। आम्रपाली बिल्डर पर अपने कई ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप है। कोर्ट ने आम्रपाली के CMD तीन निदेशकों के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी किया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने अपने इन आम्रपाली के सभी निदेशकों से 4 सप्ताह में जवाब भी मांगा है। तीन निदेशकों को शुक्रवार सुबह 8 बजे से पहले नोएडा सेक्टर 62 के थाना प्रभारी के सामने पेश होने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा के SSP को आदेश दिया है, SSP आम्रपाली के तीन निदेशकों को शाम 6 बजे के बाद होटल पार्क एसेंट ले जाएं, जहां उनके मोबाइल फोन को जब्त कर लिया जाएगा। आम्रपाली के तीन निदेशक हवालात की बजाय होटल में रात गुजारेंगे। अगले 15 दिन तक सेक्टर 62 के होटल पार्क एसेंट में जो आम्रपाली के निदेशक रहेंगे, आम्रपाली के ये तीनों निदेशक हमेशा पुलिस की निगरानी में रहेंगे। इनके मोबाइल फोन भी जब्त कर लिए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा पुलिस को ये निर्देश दिए हैं। तीनों निदेशकों को उन सील की गई संपत्तियों पर ले जाया जाएगा। जब्त किए गए दस्तावेज सूचीबद्ध करके रखे जाएंगे। कोर्ट ने अगले 15 दिनों में दस्तावेजों को सूचीबद्ध करने के लिए सुबह 8 से शाम 6 बजे तक सील की गई संपत्ति खोलने के निर्देश भी दिए हैं। ऐसे में कुर्क संपत्ति को पुलिस और फॉरेंसिक ऑडिटरों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में ही खोला जाएगा। यानी साफ तौर पर आम्रपाली बिल्डर्स पर, उनके निदेशकों पर सुप्रीम कोर्ट काफी सख्त रुख अपना रहा है, और इस सख्त रुख के चलते अब जो बायर्स हैं उनको भी ये उम्मीद बंधी है कि अब उनके साथ न्याय होगा। लंबा मामला चला आ रहा है और इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली की 9 प्रॉपर्टी को सील करने का आदेश दिया है। इसमें से 7 नोएडा और ग्रेटर नोएडा में है। वहीं बुधवार को NBCC यानी नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन की ओर से 5 नए प्रोजेक्ट में काम शुरू करने के लिए निकाले गए टेंडर से फ्लैट खरीदार राहत महसूस कर रहे हैं। इस बीच बुधवार रात पुलिस आम्रपाली के डायरेक्टरों को लेकर नोएडा पहुंची और दफ्तर से दस्तावेजों को जब्त किया। यानी अब पुलिस भी सुप्रीम कोर्ट के जो निर्देश हैं उसके आधार पर आगे कार्रवाई कर रही है। आम्रपाली बिल्डर्स पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है कानून का, और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली की 9 प्रॉपर्टी को सील करने का आदेश दिया है। इसमें से 9 प्रॉपर्टी में से 7 प्रॉपर्टी नोएडा और 2 प्रॉपर्टी ग्रेटर नोएडा में। बुधवार को NBCC की ओर से 5 प्रोजेक्ट में काम शुरू करने के लिए टेंडर निकाले गए। NBCC के फैसले से जो खरीदार हैं, जो बायर्स हैं, वो राहत की सांस ले रहे हैं। बुधवार रात पुलिस आम्रपाली के डायरेक्टर को नोएडा लेकर पहुंची थी। पुलिस ने डायरेक्टर के दफ्तर से कई दस्तावेज भी जब्त किए, और डायरेक्टर्स के साथ पुलिस जब इनके दफ्तर पहुंची तो उन तमाम दस्तावेजों को अपनी कस्टडी में लिया है और बरामद किया है। बायर्स को इस बात का इंतजार था कि NBCC काम कब शुरू करेगी आखिर। तो NBCC ने जिन प्रोजेक्ट के लिए टेंडर निकाला है उन प्रोजेक्ट में पहले से ही लोग रह रहे हैं। इन प्रोजेक्ट में जो अधूरा काम पड़ा है, साथ ही कुछ लोगों को पोजीशन नहीं दिया गया है, उसको लेकर तमाम अब टेंडर निकाले गए हैं, उस पर NBCC अब काम करेगी। ऐसे में उम्मीद है कि जल्द ही जो और प्रोजेक्ट हैं उसके लिए भी NBCC जल्द ही टेंडर जारी करेगी। जिन प्रोजेक्ट में सालों से लोग पोजीशन का इंतजार कर रहे हैं, अब वो इंतजार उनका लगभग खत्म होने जा रहा है, क्योंकि NBCC ने अब टेंडर निकालकर ये तमाम प्रक्रिया को भी शुरू कर दिया। ऐसे में बायर्स जो हैं वो भी अब राहत की सांस ले रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट का जो रुख है, सख्त रुख है, उसके चलते ये मुमकिन हो पा रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपना रुख साफ कर दिया है कि जब तक तमाम चीजें, तमाम दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट में फॉरेंसिक ऑडिट के लिए जमा नहीं हो जाते, तब तक इन डायरेक्टर्स को इसी तरह पुलिस कस्टडी में रहना पड़ेगा। हालांकि अब वो होटल में रहेंगे लेकिन पुलिस की निगरानी रहेगी, मोबाइल फोन तक जब्त किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि
जब तक फॉरेंसिक ऑडिट नहीं होगा तब तक डायरेक्टर्स को पुलिस कस्टडी में ही रहना होगा। इस संबंध में होम बायर्स के वकील एमएल लोहाटी से बात की टोटल न्यूज के संवाददाता सुचित्रा मुखर्जी ने। तो सुचित्रा मुखर्जी ने क्या बातचीत की वो आपको सुनवाएंगे, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि कोर्ट का रुख जब सख्त हुआ है, कोर्ट जब सख्त हुआ है, कोर्ट ने ये बताया है कि आप गलत कर रहे हैं, उसके बाद कहीं जाकर अब राहत की सांस बायर्स को मिल रही है, कुछ उम्मीद दिखाई दे रही है, क्या कुछ बातचीत हुई आपको सुनवाते हैं। अम्रपाली मामले में लगातार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है और कोर्ट लगातार सख्ती से इस मामले में आदेश दे रही है। आज भी सुनवाई हुई है और आज भी कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जितने भी जो भी डायरेक्टर्स हैं वो पुलिस कस्टडी में रहेंगे। और क्या कुछ है विस्तार से जानते हैं, हमारे साथ एमएल लाहौटी सर हैं, वरिष्ठ वकील। सर, कोर्ट ने कस्टडी में रखने की यहाँ पर बात कही है, क्या कुछ कहा है? देखिए, आज करीबन सवा डेढ़ घंटे की बहस जो हुई सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस उदय ललित की बेंच में, उसमें जो मुख्य मुख्य बातें सामने आई, एक बहुत सीरियस एक्शन कोर्ट ने लिया है कि फॉर्मल कंटेम्प्ट नोटिस इशू की गई है और ये सुओ मोटो कंटेम्प्ट है। सुओ मोटो का अर्थ ये हुआ जजेस खुद एक व्यक्तिगत रूप से निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि जो लोग हमारे आदेश का उल्लंघन पर उल्लंघन किए जा रहे हैं, पालन नहीं कर रहे हैं, उनको रस्ते पर लाने का क्या तरीका है। और एक ही तरीका जजेस के पास होता है, कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अंदर भी और सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट एक्ट के अंदर भी। इनको तीनों को व्यक्तिगत नोटिस दी गई है कि आप अपने बचाव में क्या कहना चाहते हैं, अर्थात आपने जानबूझकर हमें गलत स्टेटमेंट क्यों दिए और हमारे आदेश या निर्देशों का पालन क्यों नहीं किया, पहला बात। और जैसा कि मैंने कहा, मेरी जानकारी में किसी भी बिल्डर के अगेंस्ट में कंटेम्प्ट नोटिस सुप्रीम कोर्ट ने आज तक इश्यू नहीं किया है।